अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, वहीं अमेरिका में। जी, इसी बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन कितना मुश्किल होता है ना ये सब। जवान होते हैं तो शादी का इंतजार होता है, फिर माँ बाप से जुदाई का गम। हाँ ये तो है। ये साइन करा के ले आओ बेटा। इतनी प्यारी लग रही है मेरी बहन, माशाल्लाह। थैंक यू। साइन करो। अरे वाह, ये तो तूने मुझे बहुत ही बड़ी खबर सुना दी भाई। खैर, अब तुम्हें भी चैन पड़ गया होगा, बड़े मसले हो रहे थे ना, अभी एग्जाम पड़ा हुआ है शादी में, कैसे गुजरेगा ये साल है। खैर अब ऐसा भी नहीं है, मैं रो तो नहीं रही थी। अच्छा, और वो क्या था वो जो तुम रोजाना मुझे शिकवे शिकायत करती थी, तो क्या तुम्हें जल्दी नहीं थी? हाँ जल्दी तो थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब बहुत जल्दी में हो रहा है और वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है। ऐसा ही होता है बेटा। खैर तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। हुमा पे तुम ना मेरी शादी में जरूर आना। पागल हो गई हो तुम, मुझे कहने की क्या जरूरत है, मैं तो जरूर आऊंगी, बल्कि बहुत ही अच्छी से तैयार होकर आऊंगी। अच्छा क्या पहनोगी? अरे तुम्हारे बहनोई को जरा आने दो, उनको ये खुशखबरी सुनाऊंगी, बल्कि उनको अपने साथ मार्केट भी लेके जाऊंगी। अच्छा सुनो, मुझसे ज्यादा तैयार होके मत आना। तुम भी ना बहुत ही बागली हो, तुम्हें पार्लर लेके जाएंगे, दुल्हन बनोगी तुम। सच्ची? मैं पार्लर में तैयार होऊंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि तुम्हारी तो शॉपिंग भी मैं खुद करूंगी। अच्छा बात सुनो, वो मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। तब देखो आगे क्या होता है। डोंट वरी, आगे भी सब अच्छा ही होगा। मुझे डर लगता है। किस बात का? श्याम के बदलते रवैये से, पता नहीं वो कब बदल जाए। बदल तो हो चुका है, पहले वो एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन अब वो अच्छाई की तरफ आ चुका है। यही तो डर है, कहीं वो वापस बुराई की तरफ ना चला जाए। तुम अच्छा गुमान रखो, बदगुमान होने की जरूरत नहीं है। वो कुछ भी करे तुम पॉजिटिव रहना। देखो कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसको किसी बात पे गुस्सा आ जाए, तब भी तुम अपने माइंड को कंट्रोल में रखना। तो मेरी तरफ से बेफिक्र हो, मैं जा रही हूँ, तुम घर बसाने की नीयत से जा रही हूँ। एक बात याद रखना, तुम्हारा पॉजिटिव बिहेवियर उसको कभी तुमसे दूर नहीं जाने देगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है चलो अब बाहर चलते, सब हमारा वेट कर रहे हैं। क्या बात है, नाराज हो मुझसे? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे सब पता है। जब सब पता है तो अनजान बन के क्यों पूछ रहे हो? मुझे पता है तुम मेरे दूर जाने पे उदास हो रही हो ना। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी क्या फिक्र, तुम तो जाओ घूमो फिरो ऐश करो। ऐसी बातें कर रही हो यार, ऐसा हो सकता है कि तुम उदास हो और मैं खुशी मनाता फिरूं? अभी तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, जा रहे हो ना मुझे छोड़कर। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तुम्हारी उदासी देखते हुए मैंने एक फैसला किया। सा फैसला? तुम नहीं जा रहे ना? अरे क्या हो गया, जाना तो बहुत जरूरी है, मौका मैं खो नहीं सकता। देखा देखा, मुझे पता था आप मुझे सिर्फ यहाँ चिढ़ाने के लिए आए, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। गलत बात, मैं तुमसे मजाक जरूर कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा सकता। और अभी क्या कर रहे हैं, इतनी लंबी घुमा पर आकर बातें कर रहे हैं। अरे तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं है कि मैंने फैसला क्या किया है, बस खुद ही अंदाजे लगाना शुरू कर दिए। तो खुद ही बता देना क्या फैसला किया है, जरूरी है मैं हर बात को पूछूं आपसे। मैंने फैसला किया है कि अब तुम भी मेरे साथ दुबई जाओगी। क्या सच में आप मुझे दुबई लेके जाएंगे? हाँ, मेरी बात हो गई है, अब हम कहीं भी जाएंगे तो साथ साथ ही रहेंगे। लेकिन ये हुआ कैसे, तो अकेले जा रहे थे ना? अरे उसकी तुम फिक्र नहीं करो ना, तुम्हारा मसला नहीं है, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। इमरान, लेकिन हम वहां में जाना कब होगा? एक दो महीने तो लग ही जाएंगे ये सारे कागजात वगैरह तैयार करवाने में। जी तो बहुत ही अच्छा हो गया, इस तरह हम कुलोपत्रा की शादी में भी शरीक हो जाएंगे। कुलोपत्रा की शादी, वो भी इतनी जल्दी अचानक? हाँ, उसकी और रोमियो की शादी तय हो गई है। कब की तारीख तय हुई है? एक महीने के अंदर अंदर करनी है, जनवरी के शुरू में ही। तो इस रोमियो के बच्चे ने मुझे बताया ही नहीं, उसको भी सरप्राइज देने का शौक है ना। अच्छा एक बात तो बताएं, हम दोनों जब दुबई चले जाएंगे आपकी अम्मा कहाँ रहेंगी? अरे वो कहाँ रहेंगी, हमारे साथ जाएंगी। है? हाँ, और तुम्हें कोई एतराज होना भी नहीं चाहिए। हाँ मुझे क्या एतराज होगा, जाहिर है अब उनको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना, मजबूरी है, साथ तो ले जाना ही पड़ेगा। तो बस तुम तैयारी करो दुबई जाने की। वो तैयारी तो बाद में देखी जाएगी, अभी तो फिलहाल आप अपनी जेब हल्की कीजिए, मेरी बहन की शादी है, मुझे खूब सारे कपड़े खरीदने अच्छे अच्छे से। अरे जेब तुमसे बढ़ती है क्या, तुम आराम से जितनी चाहो अपनी पसंद की शॉपिंग कर। आष्टम दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही है। शुक्रिया। ये मेरी तरफ से तुम्हें छोटा सा तोहफा। शुक्रिया। आखिर हमारी शादी हो ही गई। फाइनल मैं आप सबकी मौजूदगी में एक बात करना चाहता हूँ। मैंने और हिना ने एक फैसला किया है
कैसा फैसला? मैं ममानी जान को अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। और लेकिन बेटा, मुझे कहीं और नहीं जाना है। हाँ, क्या जरूरत है अम्मी को अमेरिका ले जाने की? तो क्या अम्मी यहाँ अकेली रहेंगी? नहीं, अकेली क्यों रहेंगी, मैं हूँ इनके पास। और मैंने और हारून ने तो पहले ही सोच लिया था कि अम्मी हमारे साथ रहेंगी हमारे घर पे। नहीं खिजाब बेटा, अच्छा नहीं लगता इस तरह बेटी के घर में रहना। हमारे यहाँ वायूफ समझा जाता है। अम्मी, वो मेरा घर है तो आपका भी हुआ ना। भाई क्या जरूरत है अम्मी को नए इम्तिहान में डालने की, हम हैं ना यहाँ पे। बिल्कुल ठीक कहा मानी जाना आपने, मेरा घर सिर्फ आपकी बेटी का घर नहीं, आपका भी तो घर हुआ ना। बेटा खयाम, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस शहर से, बल्कि इस कंचा चौक से कहीं नहीं जाना चाहती। क्यों, आखिर ऐसा क्या है इस शहर में? मेरी यादें हैं, अब सारी जिंदगी इस शहर में गुजार दी, अब इसे छोड़कर कहाँ जाऊं। अम्मी, यादें तो साथ ही रहती हैं ना, चाहे आप कहीं भी जाएं। बेटा, मैं इसी शहर में पैदा हुई थी और ब्याह कर भी इसी कंचा चौक में आई हूं, अब इसके अलावा कहीं और जाने को मेरा मन नहीं कर। बस तय हो गया, अम्मी इस कंचा चौक से कहीं नहीं जा रही, और अम्मी कंचा चौक पे ही रहेंगी और हम भी यहीं रहेंगे। लेकिन इस घर से मैं कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन क्यों, इस तरह तो आप बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। तुम आ जाओ ना हिजाब मेरे साथ इसी घर में। नहीं अम्मी, मेरी हारून से बात हुई थी, लेकिन वो और उनके घर वाले नहीं मानेंगे। वो क्यों? जिस तरह आपको बेटी के घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा, उसी तरह हारून को बेबी के घर में रहना कैसे अच्छा लगेगा। मानी जान प्लीज, अब जो बात मैं आपसे कहूंगा आप इसको इनकार नहीं करेंगी। क्या बात है, कहो। वहां पे सिर्फ मैं और हिना ही होंगे, यूं समझे हम दोनों को आपकी जरूरत होगी और आप हमारी माँ बनकर हमारे साथ रहेंगे। मेरी माँ तो इस दुनिया में रही नहीं, इस तरह हमें माँ का सहारा भी मिल जाएगा और आपके होने से हिना भी अकेली नहीं रहेगी। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, हमें भी तो अम्मी की जरूरत है, मैं अम्मी के बगैर कैसे रहूंगी। तुम्हारी तो भरपूर फैमिली है, सब लोग साथ मिलकर रहते हो, मैं और हिना बिल्कुल अकेले होंगे परदेश में। खयाम आप बहुत चालाक है, कितनी आसानी से अम्मी को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात तो सही है ना, इसमें गलत क्या? गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक बेटी के करीब रहूंगी तो दूसरी से दूर हो जाऊंगी। अरुण, अरुण, ब्लैकबेरी, अरे कहाँ मर गए सब लोग? अरुण हमारे कोई आवाज ही नहीं सुन रहा। जी अबू क्या हुआ? कहाँ गायब है ये दोनों? हारून भाई और हिजाब तो शादाब आंटी के घर गए हैं। शादाब आंटी? अब ये शादाब आंटी कहाँ से आ गई, ये कोई नई महल्ले में आई है क्या? नहीं, ये तो हिजाब की अम्मी है ना। अच्छा, पापड़ की बीवी। भाई नाम हम तो मुझे खैर पता नहीं है, लेकिन ये दोनों किस खुशी में आ गए? आपको पता नहीं है, हिना की शादी हुई है हिजाब की बहन। अच्छा हिना, हाँ बताया तो था, लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन क्या मुसीबत पड़ी है कि बार बार उनके घर जा रहे हैं? अब वो आपको कोई काम है तो आप मुझे बता दें, मैं ब्लैकबेरी को बोल देती हूँ। ब्लैकबेरी को तो मैं खुद भी बोल सकता हूँ, लेकिन लाड साहब मिले तो वो तो बाप की बात का जवाब देना गवारा नहीं करते। क्या हो गया बाप, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हैं? कौन सी सुबह, अरे दिन के 10 बज रहे हैं। अरे यार सोते सोते पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा, अरे वक्त की पाबंदी करोगे तो कुछ मालूम होगा ना। अरे यार फरियाल, तुम तो मुझे बता देती। तुम रात को घर लेट आए थे, मैंने कहा नींद पूरी कर लोगे इसलिए नहीं उठाया। देर से कर क्यों आए थे, भी देर से कर।
क्या हो गया अब्बा, कौन सा मैं पहली बार देर से आया हूँ? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे रोजाना मैं जल्दी आता हूँ। अरे वो तो ठीक है, पर गए कहाँ थे? बाप की तो घर फिक्र नहीं है तुम्हें? अरे बीवी जो घर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है, कम से कम उसका तो ख्याल कर लो। अबू हम दोनों साथ ही गए थे। अच्छा तो दोनों साथ थे, सैर तफरी कर रहे थे। ठीक है भाई, वाह भाई वाह। वो सब छोड़े अब्बा, ये बताएं आवाजें क्यों दे रहे थे? अरे मैं ये कह रहा था कि जाके अपनी अम्मा की खबर तो ले आओ, कब से घर नहीं आई है और आने का इरादा है भी या नहीं। वाह अब्बा वाह, अम्मा के बगैर तो आपका दिल भी नहीं लगता। तुम्हारे अब्बा जो है। अरे लेकिन उनका तो खाना भी हजम नहीं होता अम्मा की बातें सुने बगैर। अबे चल ज़्यादा फालतू बातें ना कर, जा जल्दी से अपनी माँ के पास जा। हाँ ठीक है जाता हूँ मैं। अच्छा वो फरियाल बहुत भूख लगी है, नाश्ता तो करा दो। तुम कमरे में जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ। अब वो आप चाय पियेंगे? हाँ हाँ एक कप चाय मुझे भी दे दो। ठीक है मैं बनाती हूँ। एक तो ये हंसों का जोड़ा पैदा हो गया वो भी हमारे घर में। अब मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। ख्याम से शादी के लिए आप मुझे समझा रही थी ना, आपके कहने पे मैं राजी हुई हूँ और आपके कहने पे ही मैं अमेरिका जा रही हूँ। वो तो ठीक है लेकिन 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 कुछ नहीं, आपको मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी, मेरे और ख्याम के साथ अमेरिका जाना होगा। और मुमानी जान, मेरे और हिना के अलावा और भी लोग होंगे जिन्हें आपकी जरूरत होगी। और कौन से? आपके आने वाले नवासे और नवासियां। लेकिन इस सिलसिले की शुरुआत तो हमारे यहाँ से हो रही है, तो इस हिसाब से तो मुझे अम्मी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हिजाब तुम प्लीज अम्मी को नहीं रोको। क्या हुआ हिजाब, क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। चल श्याम तुम जल्दी से गाड़ी लेकर आओ। नहीं मुझे हॉस्पिटल जाना है प्लीज। श्याम तुम गाड़ी निकालो, चलो हम नीचे जा रहे हैं। तुम हिजाब को लेके नीचे आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। शहर और मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे अब्बा, अरे क्या हुआ, तुम गए नहीं अभी तक? मैं जा ही रहा था, वो हारून भाई का फोन आ गया था। हारून का क्या हुआ? हारून को नहीं, उनको तो कुछ नहीं हुआ लेकिन हिजाब भाभी की तबीयत खराब है। हिजाब को क्या हुआ है, कहाँ है वो? वो तो अस्पताल में है लेकिन मैं वहां जाके मालूम करता हूँ कि उनको क्या हुआ है। ठीक है जल्दी जाओ, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं आप बैठे रहें, मैं वैसे भी अम्मा की तरफ जा रहा हूँ, उनको साथ लेके चलूँगा अस्पताल। ठीक है जल्दी जाओ लेकिन मुझे फ़ोन करते रहना। ठीक है फरियाज, तुम सबका ख्याल रखना। ठीक है तुम जाओ। अब वो आप बैठ जाए, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। यार तूने बिल्कुल खामोशी से शादी की तारीख भी तय कर ली है और बताया भी नहीं। अच्छा और तूने क्या किया, इतनी खामोशी से बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया और हमें बताया भी नहीं? अरे मैं तो सरप्राइज देना चाह रहा था ना। मेरा भी यही इरादा था। खैर ये बता कब तक बाहर जाने का इरादा है? हमारी शादी तक तो रुकेगा ना। ये भी कोई कहने की बात है, अपने भाई की शादी की बिरयानी कैसे मिस कर सकता हूँ। ना जाहिर है दोस्त हो तो ऐसा। अरे यार दोस्ती की बात नहीं है, पता है वो कुनपत्रा की शादी में अगर शिरकत ना की तो सारी जिंदगी उमर ना ताने दे देकर मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना देना। अबे तो पहले तेरी जिंदगी कौन सी जन्नत का नमूना थी। हाँ यार लेकिन कुछ सुकून तो था ना। अच्छा वैसे एक बात कहूँ, अब मुझे कुछ हौसला हुआ, मुझे लगता है कि जिंदगी जन्नत का नमूना दोबारा बन सकती है। वो कैसे? यार हुमा जैसे रह रही है ना आजकल अम्मा के साथ, हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से, अगर ऐसे ही रहती रहे तो फिर तो टेंशन ही नहीं है कोई। वैसे आपस की बात है, कौन से बाबा से तावीज़ करवाया है जो हुमा आपे पर इतना असर पड़ गया? अरे तेरे भाई के होते हुए किसी बाबा की जरूरत है क्या? हाँ ये बात तो है, जादूगर तो तू बहुत बड़ा है, वो भी गुलुकारी की दुनिया में। और मेरे दोस्त प्यार मोहब्बत से ज्यादा पुरसर कोई तावीज़ नहीं होता।
अरे मीठी जुबान तो बड़े से बड़े दुश्मन को भी राम कर देती है, और हुमा तो फिर मेरी बीवी है। ये बात है यार, बस दुआ करना मेरी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाए। इंशाल्लाह ऐसी ही होगी, तो फिक्र नहीं कर, बस शर्त यह है कि तू वापस अपने असल रूप में ना जाना। क्या मतलब? मतलब ये मेरे भाई कि तू वापस गुंडागर्दी में ना जाना। मेरा इरादा तो नहीं है, लेकिन एक खबीस इंसान है जो मुझे वापस आने पर मजबूर कर रहा है। अरे अब ये कौन खबीस आ गया? यार क्या बताऊँ, सलमान के बच्चे ने तंग किया हुआ है। कौन सलमान? एक ऐसा ही पुलिस में छुपा एक काली भेड़। लेकिन तुझे तंग क्यों कर रहा है वो? भत्ता खोरी की तरह वापस बुला रहा है, इलाका संभालने को कह रहा है मुझे। उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले? नहीं, उसका मुझे कोई ना कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा। क्या करेगा तू? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। देख रोमियो, अब ये हराम काम दोबारा ना करना, वरना जिंदगी के सुख चैन से हाथ धो बैठेगा तू। यार एक बार तो अपने रूप में आना पड़ेगा, उसे सबक सिखाना पड़ेगा ना। यार तेरी शादी भी करीब है और तू है कि? यार परेशान ना हो, जो भी करूँगा शादी के बाद ही करूँगा। ये काम मकड़ी के उस जाल की तरह है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत खुशनसीब इंसान होते हैं जो इससे निकल पाते हैं। हाँ लेकिन वो खुशनसीब तू भी तो हो सकता है ना। बस ये है कि अपनी नीयत को साफ रख, इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर इससे जान छूट जाएगी। इंशाल्लाह। ठीक है, फिक्र नहीं कर। अब तुम कब दे रही हो खुशखबरी? तुम ना बिल्कुल ब्लैकबेरी की ही बहन हो, पहले इस खुशी का तो एंजॉय कर लो। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि हारून भाई को बेटा हुआ और मैं पप्पो बन गई। तुम एक बात मानोगी, तुम हिजाब की तरफ से अपना दिल साफ कर लो, आखिर तुम उसके बेटे की पप्पो बन चुकी हो। मेरा दिल तो साफ ही है। क्यों ना हम उसके आने की खुशी में घर पूरा डेकोरेट करें, उसके इस्तकबाल करें अच्छे से। हाँ ये ठीक है, बल्कि मैं जाके हुमा अपी को भी बता के आती हूँ। हाँ तुम फोन करके आ जाओ। काश आज आप होते कितना खुश होते। पता है आप नाना बन चुके हैं, हमारी बेटी खिजाब के यहाँ बेटा हुआ है, मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन आपकी भी बहुत याद आ रही, आप होते तो अपने नवासी का कोई अच्छा सा नाम रख। अरे जल्दी कर लो भाई, बहुत देर हो रही है, कहाँ रह गए सब लोग और कितनी तैयारी करनी है। अरे अब्बा बस तैयार हो रहे हैं सब। और ये तुम्हारी अम्मा कहाँ है? वो क्लोपेट्रा के साथ गई है पार्लर। और ये ब्लैकबेरी कहाँ है? अरे वो यहीं कहीं घूम रहा होगा। अरे अब्बा क्या हो गया, सारे इंतजाम देख लिए मैंने, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है पर जल्दी कर लो। और ये हारून कहाँ है? ये दोनों मियाँ बीवी तैयार हो गए, अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? अरे आ जाएंगे अब्बा, सब तैयारियों में लगे हुए हैं, तैयार होने के बाद आ जाएंगे। बल्कि मैं भी एक काम करता हूँ, फरियाल को देखता हूँ, पता नहीं उसे कितना टाइम लगेगा, मैंने भी तो तैयार होना है ना। अच्छा भाई जाओ, जो भी करना है जल्दी कर लो। हाँ हाँ अरे अरे बस। बस कर दो यार, और कितना तैयार होगी? इतना तैयार तो तुम अपनी शादी पे भी नहीं हुई। इस घर में सिर्फ मैं ही रेडी नहीं हो रही, सब रेडी हो रहे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा ही तैयार हो रही हो आज, वो भी अपनी नन की शादी में। मेरी नन आपकी बहन लगती है, अब मैं मुंह धो के तो जा नहीं सकती, तैयारी तो करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। अच्छा फरियाल एक बात कहूँ? कहो, मैं सुन रही हूँ। थैंक यू। वो किस लिए? तुम्हारी कोशिशों की वजह से हमारे घर के हालात ठीक हुए हैं, तुम्हारे और कुलबत्रा के बीच
ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं पहले से। इसमें किसी एक का कमाल नहीं है, सारे घर शामिल था इसमें। वैसे एक बात और है। हाँ कहो। आज तो ज्यादा ही प्यारी लग रही हो। हटो पीछे, तैयार होने दो मुझे। तो रोका किसने तुम्हें? मैं तो सिर्फ देख रहा हूं तुम्हें। तुम्हारी हरकतों से ना मेरी तवज्जो हट जाती है। तो उससे क्या होगा? मेकअप खराब हो जाएगा। तुम क्या चाहते हो, मैं भूत लगूं? भूत का तो पता नहीं, लेकिन चुड़ैल जरूर लगूंगी। ब्लैकबेरी जाओ यहाँ से, वैसे भी तुम्हें अबू आवाजें दे रहे हैं। जाओ। अरे जाता हूँ जाता हूँ। रोमांस का तो तुमने सत्यानाश करना होता है हर वक्त। उमा अभी तक तैयार नहीं हुई तुम, और सब निकलने वाले हैं। क्या हो गया, इतनी जल्दी कौन तैयार होके पहुंच जाता है शादी में? ये कोई मोहल्ले पड़ोस की शादी नहीं है, तुम्हारी सगी बहन की शादी है, इसलिए जल्दी जाना होगा हमें। जी इसीलिए हमें अच्छी तरह तैयार भी होना होगा, समझ आई? अरे भाई तुम्हारे अब्बू का फोन आया था, वो लोग निकलने ही वाले हैं। मुझे लगता है कि सबसे आखिर में ना हम लोग ही पहुंचेंगे। अरे रहने दे अब्बा की बातों को, तो उन्हें तो और काम की ऐसे ही जल्दी होती है। मेरी बात हुई है क्लोपत्रा से, वो अभी तक पार्लर में ही है। अच्छा भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं बाहर बैठूं अम्मा के साथ। आपकी अम्मा चल रही हैं क्या साथ? हाँ बिल्कुल, और वो तो कब से तैयार बैठी हैं। वैसे इस उम्र में क्या है उनको इतना तैयार होने की जरूरत है, कल तो बड़े नखरे कर रही थी वो। अरे भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने उनको राजी कर लिया है, और खुदा के लिए अब तुम उनको कुछ मत कहना। अरे भाई मैं क्या कहूँगी उनको, अब आप जाएं यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब ना करें। और आप कपड़े कब चेंज करेंगे? अरे भाई मुझे कितना वक्त लगेगा, मेरे ये औरतों वाले काम नहीं है, मुझे बस चेंज करना है, तुम रेडी हो रहे हो उसके बाद मैं कर लूँगा चेंज, अब जल्दी करो। अच्छा जाएं भाई, इतनी जल्दी लगी हुई है, पता नहीं कौन सा रंग इस आँख पे लगा लिया, क्या लगा रही थी यार उसके बिना। क्या बात है, बहुत सादा तैयार हुई तुम। अच्छी खासी तैयारी है, आपको सादा लग रहा है? वैसे मुझे तुम हर हाल में अच्छी लगती हो। शुक्रिया, अब चलें।